कैसे हो? हैप्पी दिवाली टू ऑल। आप सब कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आई होप आप सब भी बढ़िया होंगे। और दिवाली कैसे मना रहे हो? आप सबको आवाज़ सुन रही होगी पटाखे की, बट मेरे पास नहीं है। मेरे पास नहीं है। हाँ यार, मुझे लेना था यार, मुझे भी पटाखे जलाने। मेरे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं नीचे जाऊंगी ना तो मुझे कोई ना कोई दे ही देंगे। दीदी रिये लिया, ऐसे छोटी वाली नहीं होती जो ऐसे टप करो और आवाज़ आती है, वो वाली। और मैंने अभी जस्ट पूजा कर चुकी हूँ, और पूजा करके अभी मैं छत पे आई हूँ और आराम से रिलैक्स्ड होके मैं देख रही हूँ कि कौन कितने पटाखे जला रहे हैं। और वो वाली नहीं आती है झिरझिर करके आते हैं ना, वो मेरे घर के आसपास ना बहुत लोग जला रहे हैं और मुझे मज़ा आ रहा है। छत पे अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ और मैं आराम से रिलैक्स्ड होके मैं देख रही हूँ। और इतनी अच्छी प्यारी हवा चल रही है और मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबसे बात कर लूँ, मैं अभी फ़िलहाल अकेली हूँ तो। बट अभी अंकल आंटी जी ऊपर आ जाएंगे और हम तीनों जने साथ में दिवाली मनाने वाले हैं। और हो सकता है तो मैं अपने फ्रेंड के घर जाऊंगी, फ्रेंड लिया है तो वो मुझे बुला रहे थे, उनके फैमिली बुला रहे थे कि आज दिवाली है तो हम जो जलाने जाएंगे। न्यू घर है, घर में अभी काम चल रहा है तो अभी कंफर्म नहीं है, अभी कॉल आएगी तो पता चल जाएगा कि जाना है या नहीं जाना है। बट अभी फ़िलहाल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दिवाली का माहौल है। और गाइस आप सब पटाखे कम जलाना, जब तक मेरी ब्लॉग आएगी तब तक तो आप सब जला के सब कुछ पैक वूक करके रख दिए होंगे, मतलब आप सब, क्योंकि मेरी ब्लॉग अभी तो आएगी नहीं। इन्फॉर्मेशन एक होता है ना। अरे भाई कुछ नहीं, पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये है यहाँ से मार्केट की व्यू, एकदम क्लियर क्लैरिटी में दिख रही है तो आप सब देख सकते हो। मैं अरे वाओ मेरे घर के पास में ये देखो दोस्तों, मेरे घर ये देखो जी, ये देखो जी, सारे मेरे घर के ऊपर से मैं देख रही हूँ, मतलब घर के नीचे ही है। और पुलिस जब आएगी ना तो देख लेना इनके क्या हालत होती है। फिर ये फटाफट क्या करते हैं, वो ग्रीन वाली डोर है ना, वहाँ घुस जाते हैं सारे के सारे। ये देखो अंदर जा रहे हैं ना, छुपा के रख रहे हैं क्योंकि पुलिस चेक करते हैं ये जलाने वाली है। और भाई ये मेरे को जानते हैं, मैं जाऊँगी ना मुझे ऐसे ही दे देंगे, बट मैं जलाने वाली नहीं लूँगी, वो वाली नहीं थी छोटी सी बच्ची वाली, वो मुझे डर लगता है पटाखे से तो वो मैं जलाती नहीं। मैं छोटी वाली लूँगी जिससे वो बच्चों वाली नहीं होती, वो वाली। देखो मार्केट में बट इतनी रश नहीं है, बट है फिर भी है रश, देख सकते हो आप सब। यहाँ से मेरे घर से इतने सारे मार्केट दिखती है मेरे को, और मुझे कुछ भी लेना होता है ना तो मैं छत से पहले देख लेती हूँ, उसके बाद ही मैं मार्केट जाती हूँ लेने के लिए। देख लो ये है बेनिफिट मार्केट में रहने की, और बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे वहाँ बुलाया उन्होंने तो मैं वहाँ जाऊँगी तो आप सबको भी लेके जाऊँगी साथ में। और तब तक आप सब दिवाली मनाओ, अच्छा अच्छा खाना खाओ, अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करो, फैमिली के साथ रहो, फैमिली से प्यार करो, वो तो सिर्फ पता है। स्टिल बिकॉज आई एम फीलिंग लोनली बिकॉज माय पेरेंट्स डियर, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, और मैं मिस करती हूँ जब फेस्टिवल आते हैं ना तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ उनको, मम्मा पापा को, मतलब ब्रदर सिस्टर्स को, दादू को, मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं मिस करती हूँ। ऑब्वियसली यार, ओए ओए क्या बात है। और ऑब्वियसली जो अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं मोस्टली फेस्टिवल में बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगती है वो चीज़, फिर क्या ही कर सकते हैं ना। फिर भी कंट्रोल योर सेल्फ गाइस, कुछ चीज़ें होती है जो लाइफ में, एक ये लाइन है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो यही चीज़ मैं 6 ईयर से कोई फेस्टिवल नहीं मना पा रही हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। नेपाल में जितने भी फेस्टिवल है वो मैं 6 ईयर से कोई भी फेस्टिवल अटेंड नहीं कर रही हूँ।
अब पता नहीं मैं कब जा पाऊंगी फेस्टिवल के टाइम पे उनके साथ सेलिब्रेट करने के लिए, बट होप सब कुछ अच्छा रहा तो मैं अफकोर्स जाऊंगी। बट यही होता है कि जब मैं जाती हूँ ना तो फेस्टिवल सारे ख़त्म हो जाते हैं और मैं ऑफ फेस्टिवल सीजन में जाती हूँ। कोई बात नहीं, मिस यू मम्मा पापा, आई लव यू, मिस यू लॉट्स ऑफ मिस यू मम्मा एंड पापा, मिस यू क्या ही बोल सकती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मैंने कॉल किया था वीडियो कॉल, बट मम्मा ने पिक नहीं किया है तो मुझे पता है कि बात हुई थी मेरी दिन में। मम्मा मेरी फ्री होके करेगी कॉल बिकॉज अभी पापा ने फास्टिंग किया हुआ था और पापा मम्मा पूजा करते हैं हमारे घर में ना, फास्ट रख के पूजा करते हैं, उसमें एक दो घंटे मतलब एक दो घंटे तो टाइम लग ही जाते हैं पूजा करने में। और उसके बाद मतलब मेरे घर में जो पूजा करते हैं ना लक्ष्मी पूजा, वो पंडित जी आते हैं स्पेशली पूजा करने के लिए। और इस बार तो भाभी भी है तो टाइम लग गया होगा ज़्यादा बिकॉज इस बार मेंबर ज़्यादा हो गए घर में। इट्स ओके बट मज़ा आ रहा होगा, होप मम्मा को कोई तो है उनके पास, सब है, मैं नहीं हूँ, मतलब सब है, सिर्फ मैं यहाँ हूँ। ओके गाइज बाय बाय, मैं जा रही हूँ। जो मैंने बोला था आप सबको कि मैं अपने दोस्त के घर जाऊंगी, तो मैं उनके पास जा रही हूँ, उनके घर जा रही हूँ और वो लेने आ गए हैं, तो मैं फटाफट जा रही हूँ उनके घर पहले और मिलते हैं उनके घर में डायरेक्ट, मिलते हैं उनके घर पे आप डायरेक्ट। मैं पहुंच गई अपने दोस्त के घर और मैं जा रही हूं अंदर। यहां पे रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, तो अभी आपको जो मैं घर दिखाऊंगी वो इतना ज्यादा क्लीन नहीं होगा। मैंने पहले बोल दिया रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आप समझ लो। ये देखो मिट्टी है, धूल है, लकड़ी का काम चल रहा है, तो अभी ऐसे ही है। और हम मैं अभी 16 सेक्टर में, ये देख लो, बट फिर भी हमने स्टील लाइटें लूटे लगा दी है और बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे। और ये देखो कितनी प्यारी पेंसिल लाइट, और अंकल आंटी जी और मेरे दोस्त अंदर हैं, वो जो जलाएंगे फिर हम घर चले जाएंगे। यहाँ पे वो रहते नहीं है, अभी न्यू घर लिया है तो वो फिर अपने घर चले जाएंगे जहाँ पे रहते हैं। अभी सिर्फ जोत जलाने के लिए आए हैं, तो मुझे भी बुलाया था तो मैं भी आ गई और खत्म हो गया। अब हम चलते हैं अंदर, मैं दिखाती हूँ आपको। ये रहा घर का। हमारा पूजा हो गया है, हमने यहाँ पे भी पूजा कर लिया फटाफट और हम अब घर जा रहे हैं। और घर जाके फटाफट मैं खाना खाऊंगी। खाना तो मन नहीं कर रहा है, सैलेड है। मैं बहुत दूर हूँ,
बहुत ज़्यादा, देखो भाई इसको डर भी नहीं लग रहा है, मुझे बहुत डर लगता है इन सबसे, मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। ओए देखो हिम्मत, देखो इसको, ओए देखो देखो, अरे 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 चल 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 चल, ये हुआ नहीं, कुछ हो गया, क्या कर रहा है यहाँ पे, दरवाजे पे कुछ कर रहा है, अच्छा वहाँ से लगा के फिर यहाँ पे आएगा, ओए ये देखो कुछ 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 मैं पहुंच गई अपने घर और देख सकते हो अंकल जी ने जो जलाया है अभी, थोड़ा लेट, कोई बात नहीं, और बहुत अच्छा लग रहा है। अंकल जी इस बार माला हमने नहीं लगाया ना इसके स्टेयर के, ये इस वाले इस पे स्टैंड पे वो नहीं लगाया, पर कोई बात नहीं, पता क्या इस बार मैं बिजी थी ना अंकल जी, ये देखो ओ रंगोली मैं दिखाती हूँ, ये एंट्री हुई, ओ अमेजिंग एंट्री, और ये रही मेरी आंटी जी, ये देखो रंगोली, और अभी अंकल जी ने आंटी जी ने पूजा करना है, और ये देखो क्या बात है, छोटी सा रंगोली और क्यूट सी, अरे वो ये वाली कितनी क्यूट है, ये और भगवान जी को आंटी जी ने स्वीट्स में, ये जलेबी, भगवान जी ने जलेबी होना है, आज तो बहुत जलेबी खाए होंगे भगवान जी ने, और हमने पूजा कर ली है, अब हम ऊपर जा रहे हैं पटाखे जलाने के लिए, लास्ट पूजा हो गई हमारी, और ये रही रंगोली, आप सबको मैंने दिखा दी है, दोबारा दिखा रही हूँ, और ये पटाखे वो जो भी है पटाखे, और ये वहाँ जो हमारे घर के नीचे वो लड़का था वो बेच रहा था, जब मैं दिखा रही थी आप सबको ऊपर से, उनसे अंकल जी मांग के लेके आ गए इतने सारे, हम ऊपर पटाखे जलाएंगे, ठीक है दोस्तों, और आप सब दोबारा माथा टेक लो भगवान जी के पास, और गॉड ब्लेस यू टू ऑल, और हम घर जा रहे हैं, मतलब घर नहीं, मतलब घर में ही है, ऊपर जा रहे हैं छत पे पटाखे जलाने के लिए, और कितनी क्यूट लग रही है ना, लास्ट ईयर हमने बहुत सारे रंगोली बनाए थे, इस बार मैं बिजी थी इसलिए बना नहीं पाई, कोई बात नहीं अगले साल बनाएंगे, और देख लो आंटी से जो भी, और ये लड़ियाँ भी लगाई यहाँ पे आंटी ने, और सुंदर सी ये वाली ना, ये वाली ये देख लो ऐसे टाइप ना, ये भी लगाते हैं घर में, अच्छा लग रहा है। नहीं